हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर टॉपिक ले रहा हूँ, जो कि है एक्ने, पिंपल्स, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में यंगस्टर को होता है और सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं बेचारे और खूब सारे मेडिसिन इधर उधर की टैबलेट्स लेते हैं और उसके बाद भी अगर देखें तो उनको फ़ायदा नहीं होता है कई बार। तो मैं इस चीज़ को कवर करूँगा कि एक्ने क्यों होते हैं और इसलिए क्या क्या मेडिकेशन लिया जा सकता है और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर पसंद आया तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे ज़्यादा लोग बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि एक्ने के बारे में बताएं, एक्ने के बारे में, पिंपल्स के बारे में बताएं, तो ये उन सब की डिमांड के लिए वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लूँगा कि एक्ने होते क्यों हैं। हमारी बॉडी में जब भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है या प्यूबर्टी में हम लोग जाते हैं आफ्टर 18 या 16 के बाद, जब जैसे जैसे बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं हम लोग प्यूबर्टल स्टेज में पहुँचते हैं तो बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जैसे जैसे सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ता है, ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके, तो जो पोर्स होते हैं हमारे स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, तो उसके अंदर पी एक्ने बैक्टीरिया जो मेन कॉजिंग फैक्टर है, पी एक्ने बैक्टीरिया उसका नाम है पी एक्ने, वो वहाँ पे प्रोलिफ्रेट होने लगता है, ग्रो होने लगता है, जिसके कारण एक्ने होने लगते हैं। एक्ने की भी वैरायटी होती है, बहुत सारे एक्ने होते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, कई लोगों को होता है कि बड़े बड़े नोडुलर सिस्टिक एक्ने होते हैं। तो एक्ने की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। नोडुलर सिस्टिक एक्ने जितने ऊपर से दिख रहे होते हैं उससे ज़्यादा 4-5 गुना ज़्यादा अंदर होता है। अभी क्या करता है वो जब सूखता है, ड्राई अप होता है तो उसमें वो गड्ढा स्कार छोड़ देता है, तो बहुत सारे स्कारिंग हो जाती है लोगों के फेस में और प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप सही समय पर अगर एक्ने का ट्रीटमेंट करें तो आप उस चीज़ को बचा सकते हैं। इसमें जनरली मेडिसिन क्या दिया जाता है, सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पीना और अपनी डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे और बहुत से लोगों को देखा जाता है कि पीसीओडी फीमेल्स में होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, उसके कारण भी एक्ने हो जाते हैं। वो मेडिकेशन खाते रहते हैं बट बिकॉज पीसीओडी के कारण बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं उसके कारण उनको एक्ने होते रहते हैं। तो एक पीसीओडी भी बहुत अच्छा कॉज है। और अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं फेस की या आपने कोई मेकअप लगा लिया है जो आपको रिएक्शन एकदम कर जाता है, जो पोर्स को क्लॉक कर देता है, या कोमेडोजेनिक बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कोमेडोस कॉज कर देते हैं, उसके कारण भी एक्ने हो जाते हैं। तो अवॉइड ऐसे कोई भी आपको लगता है कि कोई मेकअप आपको ख़राब कर रहा है स्किन को, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। मेडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो ये मैं जो मेडिकेशन बता रहा हूँ, प्लीज़ आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के इनको ना लीजिए, दीज ऑल आर स्केड्यूल एच ड्रग। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ जो जनरल आपको डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, प्लीज़ इसको फॉलो मत करिएगा बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कुछ फीमेल्स में ली जाती है, कुछ नहीं ली जाती है, कुछ प्रेगनेंसी में ली जाती है, कुछ प्रेगनेंसी में नहीं ली जाती है। तो प्लीज़ अपने हिसाब से डॉक्टर ना बने, कंसल्ट करें उसके बाद ही मेडिकेशन लें। मैं जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ जो चलता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन ये टैबलेट देगा। एंटीबायोटिक में एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आइसोट्रिटिनोइन, टफ एक्ने है ये पॉपुलर है, ये बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड को ड्राई अप कर देता है, उसका सिक्रीशन को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, तो स्किन ड्राई अप होती है। और एंटीबायोटिक की बात करूँ तो आज के डेट में जो मैं देता हूँ ज़्यादातर वो है क्यूटी मैक, थ्रोमाइसिन। तो ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, 10-15 दिन लेनी पड़ती है। और बेंजोइल परोक्साइड, एक लास्ट वीडियो में एक नेम से पूछा था, प्लीज़ बेंजोइल परोक्साइड के ऊपर वीडियो बनाएं। तो क्लिंडामाइसिन होता है, क्लिंडामाइसिन इज एंटीबायोटिक टॉपिकल अप्लाई करने के लिए होता है। एक बेंजोइल परोक्साइड है जो क्लिंडोसिल है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो फॉर टॉपिकली एक्ने बैक्टीरिया को किल करने के लिए। दूसरा, फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बिकॉज अगर आप फेस वॉश अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पोर्स क्लियर आउट नहीं होंगे। तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो एक्टेम है या एक्टेम सी फेस वॉश होता है, ये अच्छे फेस वॉश है फॉर एक्ने। अगर आपको हो रहा है तो आपके स्किन को क्लियर आउट कर देगा। साथ ही साथ अगर इन सब मेडिकेशन भी आप ले रहे हो फिर भी आपके अगर एक्ने नहीं ख़त्म हो रहे तो उसका एक बहुत मेजर कॉज हो सकता है आपकी फूड हैबिट। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप जो डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, आप दूध पीते हो, पनीर खाते हो, चीज़ खाते हो, जो डेयरी प्रोडक्ट आप लेते हैं वही आपके बॉडी में एक्ने कॉज कर रहा होता है। उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। गाय के अंदर जब मिल्क सिक्रीशन होता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो मिल्क सिक्रीट कराता है, वो उस मिल्क के साथ भी मिल्क में भी आता है। और जब हम वो मिल्क पीते हैं या हम डेयरी प्रोडक्ट या घी या चीज़ या कुछ भी हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है जो गाय सिक्रीट करती है उसके मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में भी आ जाता है।
आपको कोई भी हार्मोन प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब वो हार्मोन आपकी बॉडी में जाता है थ्रू मिल्क, थ्रू चीज़ या थ्रू पनीर या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू, तो आपकी बॉडी में वो हार्मोन चेंजेस कराने लगता है, ऑयल सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके जो स्किन पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो ये एक बहुत मेजर कॉज होता है जो लोगों को नहीं पता है। तो अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ऑल दोज मेडिसिन, आपको फिर भी एक्ने होते रहते हैं, आप पूरे हार्मोन प्रोफाइल चेक करा लेते तो फिर भी आपको हार्मोन्स ये होते रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है। तो प्लीज़ अगर आपका सलाह होता है कि आप मेडिकेशन ले रहे हो और फिर भी आपको अगर हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करें, फिश को अवॉइड करें, मीट को अवॉइड करें। ये कई बार चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज ज़्यादा कराती है। अपार्ट फ्रॉम जो सेफर साइड अगर आपको चलना है, तो दिस इज़ द ब्यूटी वाटर जो बहुत अच्छा है। बेसिकली ये ब्यूटी वाटर जो है, इसका पीएच होता है, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था इसके बारे में, इसका पीएच है स्टेप वन का 11.5 पीएच है। बेसिकली इट्स अ हाईली अल्कलाइन वाटर, तो ये आपकी जो पोर्स है उसको ओपन कर देती है, जो भी डर्ट होती है उसको रिमूव कर देती है। इट्स अ वेरी गुड अल्कलाइन वाटर, इसको आपको लगाना है। इसके बाद आप स्टेप टू है जो इट्स एसिडिक, इट्स इसका पीएच है 2.5। तो जब आप ये लगाते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, बिकॉज इसने पोर्स को ओपन कर दिया, डर्ट को रिमूव कर दिया है, अभी आपने 2.5 पीएच का वाटर स्प्रे किया आपके फेस पे, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जितने भी बैक्टीरियल हैं वहाँ पे, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन जो भी है, कुछ भी है, उसको किल कर देगा, मार डालेगा, बैक्टीरियोसाइटल इफेक्ट होता है। इसके बाद आता है ब्यूटी वाटर, इसका पीएच 6 दिख रहा है, इसका पीएच 6 जो आप स्प्रे करेंगे तो आपके ये स्किन के पीएच को बैलेंस कर देगा। और ये बहुत अच्छा, इसका ओआरपी है अराउंड 600-700 ओआरपी होती है माइनस में, जो हाईली मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है पॉल्यूशन के कारण, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ ही वाटर होता है, इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो -600-700 ओआरपी होती है, और ये आपके जो जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको ख़त्म कर देता है। तो आप मेरा इसके प्रीवियस वाला जो कोरियन ग्लास स्किन वाला जो मेरे वीडियो है उसमें आप देखिएगा, मैंने इसमें टेस्ट भी किया कैसे ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है फैट को, डालते ही पूरा फैट को घोल देता है। ये बहुत अच्छा वाटर है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मेडिकेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह के साथ ही मेडिकेशन लें, डाइट मेडिकेशन ना लें, फूड हैबिट को चेंज करें। अगर आपको पीसीओडी तो पीसीओडी के लिए लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पीसीओडी के लिए मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, पिंपल्स के लिए दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मैं एक लिंक दे रहा हूँ, यू कैन कंसल्ट मी डायरेक्टली, अपनी फ़ोटोज़ में अपलोड कीजिए अपनी कोई सारी प्रॉब्लम को, उसमें पूरा डिस्क्राइब कीजिए और उसको सेंड करिए, तो मैं उसको देख के आपको फ़ोन करूँगा और आपसे आपकी सारी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। ऐसा ऑनलाइन कंसल्टेशन, और जो कि www.lascomic.com पे एक कंसल्टेशन फॉर्म है, आप उसको फिल करके अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करके जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ की फ़ोटोज़ अपलोड करिए और अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और मुझे सेंड कीजिए, तो मैं आपको कॉल करूँगा और आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी क्यूरीज को सॉर्ट आउट करने में। बट मैं वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि डेली इतने मैसेज आते हैं, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत मुझे एक आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा है, कई लोग बहुत बेकार बेकार कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वो बहुत ही रूडली बात करते हैं, अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता तो मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो, और वो बहुत ही रूडली बात करते हैं अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए थोड़ा। मेरे पास भी प्रॉब्लम होती है, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार मैसेज पेंडिंग है। और अगर आपको कोई भी प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मैसेज कर दो पूरा का पूरा एक मैसेज में सारी प्रॉब्लम को लिखो, जस्ट हाई हाउ आर यू, और ऐसे करके मैसेज मत करो मैं रिप्लाई नहीं कर, मैं कर भी दूंगा हाय, आपको हाय का रिप्लाई कर दूंगा, फिर उसके बाद आप मैसेज मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, जब तक आपका मैसेज बहुत नीचे जा चुका होगा। तो प्लीज़ आप एक पूरी प्रॉब्लम लिख के मुझे मैसेज करिएगा कभी भी करें तो, ताकि मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो प्लीज़ ये www.lascomic.com पे जाइएगा, कंसंट्रेशन फॉर्म भरिएगा, अपनी सारी प्रॉब्लम और फोटो अपने अपलोड करिएगा, तो मैं उसको देख के रिप्लाई करूँगा, आपको फ़ोन करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, सी यू, बाय।